शिक्षा. So, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और नबार्ड का ग्रेडे का एग्जाम तो निपट चुका है बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो तो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव न्ड इन 2023 ट्वेंटी थ्री एज वेल तो प्रिपरेशन अभी से रेगुलर रखना और जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स डल रहे हैं ठीक है इन लेक्चर्स को तो जरूर देखते रहना आपने चाहे जहां मर्जी कोर्स खरीदा हुआ हो वो उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा लेकिन ये जो मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स हैं इनको जरूर आप सप्लीमेंट कर लेना ठीक है जिस भी कोर्स को आप देख रहे हो ठीक है जिस भी लेक्चर सीरीज को आप कर रहे हो और जल्दी हम अपना खुद का भी एक कोर्स uh, जो है वो लॉन्च करेंगे फुल फ्लेश एग्रीकल्चर के लिए चाहे वो आई बी पी एस एफ ओ हो चाहे वो नबार्ड हो बट मीन वाइल यूट्यूब लेक्चर्स तो देखते रहना क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो गारंटी uh, मैं आपको दे रहा हूँ कि uh, ये वाला कंटेंट आपको किसी भी आपके पेड कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा और ये गारंटी अगर किसी को लगे कि नहीं सर आप हवा में बात फेंक रहे हो तो वो ओपनली आकर के टेलीग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर कह सकता है कि हाँ जी इस कोर्स के अंदर हमको ये वाली चीज मिली थी तो आप कैसे क्लेम कर रहे हो ओके okay. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम रेलिवेंट नहीं होगा कोई बच्चा कहे कि सर ये एग्जाम रेलिवेंट ही नहीं है तो कैसे किसी कोर्स में मिलेगा जो भी हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रिक्टली एग्जाम रेलिवेंट होगा ठीक है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके अलावा इधर उधर का कुछ भी नहीं रहेगा अब हम यहां पर एक ना स्टैटिक पार्ट के अंदर ही एग्रीकल्चर स्टैटिक की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी के अंदर एक आ, कुछ आने वाली चार पांच वीडियोस आपको मिलेंगी एंड दे विल बी रिलेटेड ऑन मैंगो ठीक है सो मैंगो बेसिकली आईसीएआर की एक मैगजीन आई थी जून जुलाई के महीने में उस मैगजीन में से मैंने मैंगो की एक तीन चार वीडियोस की जो सीरीज है वो बनाई है इसके अंदर आपको मैंगो से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो एग्जाम रेलिवेंट है क्योंकि मैंगो के ऊपर आप देखोगे हॉर्टिकल्चर में काफी सारे क्वेश्चंस मैंगो के ऊपर पूछे जाते हैं तो ये पार्ट वन रहेगा उसका ठीक है इसके अंदर बेसिकली हम क्या कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि बेसिकली ओरिजिन वगैरह कहां पर ट्रेस करते हैं हम कल्चरल एसोसिएशन देखेंगे इंडिया में कैसे मैंगो जो है वो कल्चरली एसोसिएटेड है और फिर न्यूट्रिशन की बात करेंगे ठीक है वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीडियो टू के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे अभी भी बता देता हूँ वीडियो टू के अंदर हम फिर डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट वेराइटीज है मैंगो के ठीक है वो रहेगा और ये बेटा 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स तो है ही एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज आपको मिलते हैं टेस्ट के फॉर्म में 30 30 एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं 50 परसेंट इसके ऊपर ऑफ चल रहा है थ्री हंड्रेड रुपीज का प्राइस है तो काफी वैल्यूएबल एक एमसीक्यू कोर्स आपके लिए ये बन जाता है तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो चलो जी सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ तो हम जब बात करते हैं आ, मैंगो की जिसका बॉटनिकल नेम है मैंगोफेरा इंडिका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो देखो पूछा जाता है पेपर के अंदर बॉटनिकल नेम अभी प्री आ, प्री में भी पूछा गया था फेज वन में भी पूछा गया था ग्रेड ए के फिर फेज टू में भी क्वेश्चन uh, आया था बॉटनिकल नेम से रिलेटेड ठीक है तो ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है एंड uh, इसका ओरिजिनेशन जो है बेसिकली इंडो बर्मा एरिया से इसको ट्रेस किया जाता है जब हम इंडो बर्मा एरिया बोलते हैं ना कई जगह पर आपको इसको uh, कई बुक्स के अंदर इसका जो आपका ओरिजिन है वो इंडिया भी लिखा हुआ दिखेगा ठीक है तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग ऑथर्स uh, का जो है इसके अंदर अलग अलग व्यू है एक जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो इंडो बर्मा आ जाता है अब तो इंडो बर्मा के अंदर लोगों का अक्सर जो परसेप्शन रहता है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं होते वो सोचते हैं यार इंडो बर्मा इज इक्वल टू जो इंडिया और म्यांमार वाला रीजन यही बेटा इंडो बर्मा जो रीजन होता है ना वो आपका ये जो सारा आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना दिस इज कॉल्ड योर इंडो बर्मा रीजन इसके अंदर इंडिया का तो बहुत छोटा सा पार्ट आता है जो आपका स्पेसिफिकली जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो आता है उसके अलावा इसके अंदर म्यांमार लाओस थाईलैंड कैंबोडिया वियतनाम इस टाइप के जो आ, स्टेट्स हैं आ, कंट्रीज हैं वो आते हैं बेसिकली ठीक है एंड धीरे धीरे इट स्प्रेड ओके अब जैसे इट इज सेड की अल्टीमेटली ये मलाया पेनिनसुला बेसिकली जो मलेशिया वाला जो पेनिनसुला है वहां पर स्प्रेड हुआ क्योंकि तामिल्स जो थे इंडिया के दे टुकिट

ठीक है जो बेसिकली बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं मल्टीपल लोग कंज्यूम करते हैं हिंदी में भी तो हम इसको आम बोलते हैं आम बेसिकली क्या डिनोट करता है मासिस को डिनोट करता है ना आम जनता आम लोग ठीक है मासिस को डिनोट करता है तो इसी वजह से मैंगो को क्या कहा जाता है फ्रूट ऑफ मासिस कहा जाता है अब इसकी हमारे इंडिया के अंदर तो अगर हम बात करें रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं आपने देखा होगा अगर स्पेसिफिकली हिंदू अगर किसी फंक्शन में आप चले जाओगे हिंदू सेरेमनी में चले जाओगे जहां पर वो हवन वगैरह होते हैं तो वहां पर वो क्या बोलता है पंडित सबसे पहले क्या बोलता है कि आम के पत्ते चाहिए ठीक है तो आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है डिफरेंट के अंदर अगर आप सरस्वती वर्षिप कर रहे हो या कोई भी आप हवन वगैरह अगर कहीं जाते हो ना कहीं हवन हो रहा होता है तो वहां पर जो है एक प्राइमरी डिमांड होती है आम के पत्तों की ठीक है और मैंगो इंडिया के अंदर काफी एशियंट टाइम से इसके अंदर ये कल्टिवेशन हो रही है ऐसा नहीं है कि आज की बात है अगर आप जो इंडिया के आर्ट्स हैं जैसे बहरूत स्तूपा है अजंता एलोरा केव्स हैं, वहां पर भी आपको एविडेंस में एंटीक्स मिल जाएंगे मैंगो के ठीक है उसकी डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है अपना सब्जेक्ट वो नहीं है और राइट right. उसके अलावा आमिर खुसरो जो एक काफी इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं इंडिया के उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रेज किया है ऑफ दिस मैंगो फ्रूट उसके बाद अकबर की एनी अकबरी के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन मिलेगी मैंगो की ओके okay? और अकबर का तो एक पूरे का पूरा बाग था जिसको लख बाग बोला जाता था दरभंगा के पास इंडिया के अंदर ये एक बाग था और इसके अभी भी रेमिनेंट्स हैं यहाँ पर कहा जाता है कि एक लाख आम के पेड़ हुआ करते थे ठीक है ये बड़े जनरल से पॉइंट्स हैं इनमें से क्वेश्चन इन दो पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है लेकिन हम एक लिंक स्टेब्लिश करके चल रहे हैं जो कल्चरल एसोसिएशन वाला जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना इसमें से पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ लेकिन एक लिंक हो जाएगा क्योंकि आने वाले जो हैं उसके अंदर से से आप देखोगे कि हर पॉइंट में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो निकल करके आएगा अब विद इन द टाइम जो वेराइटल प्रेफरेंस है मैंगो की मार्केट में वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है पहले क्या होता था अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे ना तो वहां पर जो लोग हैं वो रेड पील कल्टीवास जो है वो प्रेफर करते थे लाल आम होते थे वो ठीक है और वही डेफिनेटली पूरी दुनिया में एक तरह से डोमिनेट करते थे ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करते थे क्योंकि आई अपीलिंग होते थे वो काफी ज्यादा बट अब देखोगे आप ग्रेजुअली सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो रही है और येलो स्किन मैंगोज जो है उनको यूएस के अंदर काफी ज्यादा डिमांड किया जा रहा है एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी आ जाती है ये याद रखना इस वेरायटी का नाम दैट इज कॉल्ड अतोल्फो अतोल्फो बेसिकली एक येलो कलर्ड वेरायटी है और इसमें इसकी यूएस में काफी ज्यादा डिमांड है ठीक है एंड ये जो रेड पील मैंगो का एक बेसिकली मार्केट डिमांड थी ना या मार्केट डोमिनेशन थी ये अतोल्फो उसको कम करने में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो क्योंकि अभी आईसीएआर की मैगजीन के अंदर स्पेसिफिकली इस वैरायटी का नाम हमें देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली ये पेपर के अंदर क्वेश्चन में पूछ सकता है वो यही पूछ ले कि अतोल्फो किस चीज की वेरायटी है ठीक है किस पर्टिकुलर क्रॉप की या फ्रूट की क्या वेरायटी है तो वो आपका एक डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाता है न्यूट्रिशन के ऊपर आ जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बे बेटा सबसे पहले तो रिचनेस की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिच होता है उसके बाद आपका फाइबर के अंदर रिच होता है स्पेसिफिकली पेक्टिन विटामिन सी के अंदर रिच होता है विटामिन ए जो बेटा कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए काफी अच्छा होता है उसमें रिच होता है उसके अलावा और भी बहुत से फाइटोकेमिकल्स मैंगो के अंदर होते हैं जो एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में आपको हेल्प करते हैं Mango का जो फ्रूट पल्प होता है इसके अंदर बहुत कम लिपिड कंटेंट होता है और आप इसको बोल सकते हो कि एक तरीके से ये फैट फ्री होता है तो हेल्दी रहता है इसी वजह से ठीक है जो सीड्स होते हैं मैंगो के वो लिपिड्स और फैटी एसिड्स के अंदर रिच होते हैं ठीक है एंड इसका कॉम्पोजिशन जैसे आपका कोकोआ बटर का कॉम्पोजिशन होता है ना बिल्कुल वैसा सेम रहता है जो मैंगो फैट होता है जो बेसिकली आप ये सीड्स से डिराइव करते हो ये कॉस्मेटिक्स फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अलावा मैंगो के अंदर आपको और भी बहुत से वाइटल और इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल जाएंगे जैसे कैल्शियम हो गया आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस पोटेशियम जिंक कॉपर मैंगनीज सेलिनियम जो काफी इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए इस टाइप के मिनरल्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे मैंगो जो फ्रूट होते हैं दे आर लो इन सोडियम देखो क्वेश्चन बनने को इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं ना अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूं अगर कि मैंगो इज अ रिच मैंगो इज नॉट रिच इन फॉर एग्जाम्पल ठीक है ए ऑप्शन में दे दू आयरन बी दे दू मैं जिंक सी दे दू मैं कॉपर और डी दे दू मैं आपको सोडियम ठीक है थीके? तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मेरा बनकर के तैयार हो गया कि नहीं हो गया और एक बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है लेकिन अगर नहीं आता तो आंसर नहीं कर पाओगे और फिर बच्चे कहते हैं अरे ये तो हमने कवर ही नहीं किया ठीक है बेटा कवर करने के लिए यू नीड टू यू नो पिकअप द राइट सोर्सेस ओके उसके बाद बायो एक्टिव कंपाउंड सो आ, मैंगो के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं ये एंटी डायबिटिक इसको कंसिडर किया जाता है जैसे आपके घर में कई बार आपने सुना होगा जब आ, मैंगो का सीजन आता है अगर आपके घर में किसी को शुगर होती है तो घर के बाकी के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं आम मत खा आम मत खा ठीक है तेरे को शुगर है तू आम क्यों खा रहा है बट अगर आप मेडिकली देखते हो तो मैंगो के अंदर एंटी डायबिटिक ट्रेड्स होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट होता है एंटी वायरल होता है एंटी इंफ्लामेटरी हैं जो हमें से किसी को देखो मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जैसे एप्पल वगैरह भी लोग खाते हैं तो वो कहते हैं वन एप्पल डॉक्टर अवे ठीक है बचपन से सुनते आ रहे हैं तो एप्पल के लिए तो ये है कि भाई ये एक हेल्दी फ्रूट है पर आम को जनरली अगर आप घरों में जाओगे ना आम जनता मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो आम जनता जो है वो आम को एज सम न्यूट्रिशियस फ्रूट नहीं कंसिडर करती है आम को क्या कंसिडर किया जाता है कि भाई स्वाद के लिए आम जाना जाता है ठीक है चटोरे लोगों के लिए आम जाना जाता है बट आम के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं अब देखोगे कि आप जो मैंगो की पत्ती होती है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं ज्वाना माइट ये पॉलिफेनॉल और मैग मे, uh, में, मेंग, मैंग इसके अंदर रिच होता है इससे क्या होता है जो एक्सरसाइज करते हैं ना स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप इसको ल्यूटेलाइन और जैसे कंपाउंड्स के साथ मिक्स करके यूज करते हो ठीक है उसके अलावा मैंगो के अंदर एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं लिप्यल लिप्यल ये एक पेंटासाइक्लिक ट्राइटर पेन होता है जो मैंगो फ्रूट के अंदर होता है आप बस इतना साइंस के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत है ही नहीं इतना याद रख लो कि लिप्यल होता है ठीक है अब ये काफी अटेंशन इसने साइंस के अंदर गेन किया है पिछले कुछ समय के अंदर बिकॉज ये जो लिप्योल है ना इट इज सेट कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है हड्डियों हो की उसको ठीक करने में हेल्प करता है एंटी म्यूटेजेनिक है एंटी मलेरियल एक्शन परफॉर्म करता है तो मल्टीपल एक्शन किए गए हैं ओके एंड एंटी ट्यूमर प्रमोटिंग इफेक्ट भी इसका जो है वो देखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बायो एक्टिव कंपाउंड मैंगो का है अब जैसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या बन जाएगा ल्यूपियोल इज प्रेजेंट इन नीचे चार फ्रूट दे देगा एप्पल में नहीं होता ग्रेप्स में नहीं होता गुआवा में नहीं होता मैंगो में होता है एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन इसी देखो एक चीज और मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको ये देखो कि यार ये क्वेश्चन में कैसे ढल सकती है कि इसका एमसीक्यू कैसे बन सकता है मैं तो बच्चों को अक्सर ये बोलता हूं कि कुछ भी पढ़ो कुछ भी पढ़ो कोई थ्योरी पढ़ रहे हो उस थ्योरी को पढ़ने के बाद अब ये क्लास देख ली अभी YouTube की क्लास देख लिया आपने। इस क्लास को देखने के बाद ये सोचो हाँ भाई इसमें से एमसीक्यू कहाँ कहाँ बनेंगे बनाओ खुद से पेज के ऊपर ठीक है इसके ऊपर मैं एक लेक्चर जो है जरूर लूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जनरली ओके आ, एक लेक्चर हम इसके ऊपर जरूर बनाएंगे अभी ऑलराइट चलिए सो दिस वॉज फॉर पार्ट वन पार्ट टू के अंदर मैंने आपको बताया कि हम क्या डिस्कस करेंगे मैंगो वेराइटीज डिस्कस करेंगे ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो हाइब्रिड हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस का जो है उसके अंदर आ, कौन सी दो वेराइटीज को यूज करके हाइब्रिड वेराइटी को डिवाइस किया गया तो वो सारी चीजें उसके अंदर हम कवर करेंगे सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और टेलीग्राम पे आप जो चाहे बात भी कर सकते हैं कभी कभी टेलीग्राम के ऊपर मैसेज आने में लेट हो जाता है बट डेफिनेटली रिप्लाई जरूर मिलेगा कमेंट करके जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा अगर आप कोई आ, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच एंड बाय